पंचायत चुनाव 2021 का मतगणना सातवें चरण का संपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जहां बात करें बेगूसराय प्रखंड में 25 पंचायत का किस्मत का ताला खुल गया था, जिनमें 16 में 13 प्रत्याशियों जनता ने आशीर्वाद दिया। उसमें एक सुजा पंचायत से भी उम्मीदवार को जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाया। वहीं बात करें सुजा पंचायत के क्षेत्र संख्या 23 से भावी उम्मीदवार किरण कुमारी जो नव निर्वाचन हुए सुजा पंचायत से मुखिया बने, उनसे जानना चाहेंगे कि सुजा पंचायत के जनताओं को क्या देना आशीर्वाद देना चाहिए जीत की। पहले यार कार्य क्या रहेगा जनता के बीच? पहले मैं अपना प्रणाम करती हूँ अपने जनता को, और मैं चाहूँगी जहाँ तक हो सके मैं अपने जनता की सेवा कर सकूँ। मैंने अपने घर से निकली हूँ वादा करके मैं अपने जनता की सेवा कर सकूँ। सुजा पंचायत की जनता आपको आशीर्वाद दी है, आपके साथ जो है साथ दिया है जीतने की, तो उनके आप क्या बोलना चाहेंगे अपने जनताओं वाले को? हम उनकी सेवा करेंगे और क्या बोलें, जहाँ जो हमसे बन पाएगा हम उनकी करेंगे। सरकारी योजना का लाभ होगा, हम उन्हीं को सेवा करेंगे। जितना हमको उनसे मिलेगा लाभ हम सब अपने जनता में बांट देंगे, और क्या हम कह सकते हैं। यही मेरा बात है, मैं अपने समाज की सेवा कर सकूँ, सुजा पंचायत की रक्षा कर सकूँ जहाँ तक हो सके। मैं अपना वचन से अपना समस्त सर्वस्व उनके चरणों में लगा दूंगी। आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी जी, ये बताइए सुजा पंचायत में अभी तक वर्तमान में जो मुखिया थे वो कार्य क्या किए हैं और क्या बचा हुआ जो सुजा पंचायत में? अच्छा, आप बताइए चाची कौन हुए, ये कोई है आपके गांव के हैं ना, जिनको आशीर्वाद दिए ना आप, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे बोलिए। जीत की बहुत बहुत बधाई, अपने चाची बोलिए, बहुत बहुत बधाई बोलिए। कैसा खुशी हो रहा है इस गांव में? दिया इधर बोलते। ये बताएं कि हम जीते हैं मगर ये जीत हमारी नहीं, ये सुजा पंचायत के जनताओं की जीत है। हमारे साथ उनके पति जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये जीत किन्हें देते हैं और क्या सुजा पंचायत के जनताओं को बोलना चाहेंगे सर? मतदाता सुजा पंचायत के जो मालिक हैं, जो अपने दिल से जिताए हैं सर, जितना वोट से हमको जिताए हैं उसका मैं ज़रूर डर रखेंगे। जितना से जिताए हैं तो उनको हम एक भी काम का और जितना भी उसका सम्मान का हम उनके लिए नछावर करेंगे और अपने ईमानदारी से काम करेंगे। जितना भी योजना होगा पूरे पंचायत में 1 से 19 तक वार्ड को हम एक बराबर सम्मान देते हुए अपना जो योजना का है एक बराबर हिस्सा उनसे ईमानदारी से दिया जाएगा। और सभी के साथ मतदाताओं के साथ, वह हमारे मालिक हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे, अपने दिल से उसको लगा कर रखेंगे और 5 साल कार्य ऐसा करेंगे जो हमसे वो टूटे नहीं। तो पहले सर जनता के बीच जाइए तो पहला कार्य क्या रहेगा आपका? देखिए पहला कार्य तो उसको चाहते हैं हम लोग, जो एक एक जनता का जो महीनवारी जो उसको आमदनी है उसको जरूर जुड़ाएंगे। जैसे उदाहरण में जैसे हुआ राशन कार्ड, अभी भी जानते हैं, हम भी तो जानते थे, हम जानते हैं बहुत वार्ड में सर ऐसा है कि सुनने को आता है, अब जैसे हो बहुत वार्ड में राशन अभी तक भी हमारे मतदाता के नहीं हैं, उसको हम एक एक को जुड़ाएंगे। और विधवा पेंशन भी 75-80 साल हो गई है, उस पर कैसे नहीं ध्यान दिया गया, वार्ड नहीं दिया ध्यान या मुखिया नहीं दिया ध्यान, उसको भी हम एक एक को जोड़ेंगे ताकि वह मंथली आमदनी वह उनको आता रहे एक एक जनता को। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या आपका फोकस? उस पर भी रखेंगे ध्यान।
स्कूल है हमारे जो पंचायत जो में। अभी आप वर्तमान में मान सकते हैं कि सुजा पंचायत है एक, और ये बेगूसराय बगल में है। आपकी लड़की हो लड़का हो वो बेगूसराय जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी तरह कठिनाई करके पढ़ाई करते हैं, तो हम आप सुजा पंचायत के मुखिया हैं, तो पहले कार्य क्या करेंगे शिक्षा के बीच? शिक्षा के बीच क्या करेंगे उसको हम जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे। हर जितना भी विद्यार्थी है वो लड़की हो लड़का हो उसको हम ज़रूर उसको अपने तरफ से उसको हम हिम्मत देंगे, और जो भी कठिनाई होगा वो बोले उसको हम दूर करने के लिए वो पूर्णतः हम कोशिश करेंगे। कानून के समय से क्या आप जनताओं के बीच भेजिएगा? कानून का ऐसा मामला हो आपके पंचायत में तो किस तरह निपटारा कीजिएगा? कानून का मामला होगा हम तो जैसे अब कानून का मामला हो जैसे अब कोई झंझट पटपट हो हम तो चाहेंगे थोड़ा बहुत में 19-20 करके दोनों को मिला करके ताकि वह आगे नहीं बढ़े, नहीं थाना बढ़े नहीं कोर्ट बढ़े। कारण है यह क्षति का कारण है। हम चाहेंगे जितना भी हैं हम जैसे अब सरपंच साहब होंगे इस सब जितना भी वार्ड होंगे पंच होंगे हम चाहेंगे एक एक कदम में कदम मिलाकर और हम अपने जनता को विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम कानून में उसी वक्त जाएगा जो अंतिम होगा प्रक्रिया जो हमसे नहीं होने वाला होगा वही आदमी जाएगा, लेकिन इस बीच में जितना भी होगा वह सब हम सब मिल करके यहाँ पर उसको माने ख़त्म किया जाएगा या ठंडा करके उस सब को मिला कर रखना है जो हमारा जो कर्तव्य होगा। विशेष यही पर हम जोर देंगे कि ताकि उसका विकास को क्षति न हो। विकास में जैसे सरकार की योजना आती है आपके पंचायत में तो पहले धरातल पर उतारने का काम करेंगे? जी सर। कि अभी तो जितने आए हैं योजना पर तो लूट लाट हुआ है, इसीलिए तो जनता इस बार जो है नए को दिया मौका। जी मौका दिया तो हम तो चाहेंगे सर, हम तो चाहेंगे हम पर कोई बदनुमा दागने लगे जनता के सामने ओपन करके जितना भी उनकी राशि सरकार देती है उनको ओपन कर देंगे कि बाबू आप एक साल में इतना आपको आया है, जनता को वो सोच करके कहाँ क्या लगाना है सब विचार कीजिए। वहाँ वार्ड के कहेंगे लगा वार्ड के मेरा काम है पैसा देना, और उसी से और उसमें भी जनता को कहेंगे कहाँ कहाँ सही काम है हर वार्ड में वह जनता बोलेगा उस जगह काम। क्या नाम हुआ आपका सर? रामाशीष शर्मा। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा हुआ। अमित जी बताइए सुजा पंचायत में तो बदलाव हो गई है? हो गई। तो अभी तक क्या कार्य बचा हुआ है जो? बहुत से कार्य बचे हुए हैं, जल नल योजना, इंदिरा आवास योजना, पक्की सड़क नरक योजना, घर घर गली योजना, बिजली लाइट सब बचा हुआ है। जो पहले जो मुखिया थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, इससे जनता ने आक्रोशित होकर किरण कुमारी को जिताई। कितना से जीत गई? 1164 वोट से जिताई है। किन से टक्कर था इनका? सीमा कुमारी से टक्कर था। सीमा कुमारी से टक्कर था जो वर्तमान में मुखिया थे उनका? नहीं, उसका उसका मंजू देवी का तीसरे नंबर पाया। जनता ने जीत हुई जी। मेरी बड़ी मम्मी है। अच्छा, तो हमको अच्छा लगा, मैं खुशी हूँ कि इसी कारण कि मेरी मम्मी अच्छा काम करे तो और जनता लोग सुनके और बधाई हो। गर्ल्स के लिए क्या करेंगे इस पंचायत में पढ़ाई के लिए? पढ़ने जाते हैं तो कुछ भी दिक्कत होगा तो उन लोग को बोलेंगे कि हम लोग को सुविधा अच्छा से करवाए, लड़का लोग बदमाशी करेगा तो हम लोग को कष्ट को दूर करेंगे। चलिए बड़ी सी पहले बता दिए कि बेगूसराय जो छात्र हैं वो जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ किरण देवी ने विजय हासिल की है और कहा कि पहले हम अपनी योजना जब लाएंगे तो शिक्षक और ज़्यादा करके छात्र पर ध्यान दिया जाएगा। और भी इसी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर ट्विटर बेगूसराय।